हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये जिनको मालूम हो, जिनको ना भी मालूम हो, कि कल एक बहुत बड़ा अपडेट आया था 81 बॉन्ड को लेके। उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं उस न्यूज पे जो कल आई थी। उसके बाद एक न्यूज और आई है, और फिर आज का डेटा हम मिला के एक सार निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल शाम को एक न्यूज आई थी, सेबी इम्पोजेस 25 करोड़ पेनाल्टी ऑन यस बैंक 81 बॉन्ड्स। ओके, 45 दिन के अंदर इन्होंने बोला हुआ है कि ये जो है पेमेंट जमा करनी है। और आप लोगों को मालूम ही होगा, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, 81 बॉन्ड वही है जो लाइक एक अनस्टेबल बॉन्ड होता है, रिस्की बॉन्ड होते हैं। मीन्स ये एफडी की तरह होते हैं। एफडी क्या होता है कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, आपने एफडी किसी बैंक में जमा कर दिया तो आपका पैसा जितना उन्होंने 6%, 7%, 4% जो भी अलग अलग बैंकों का है, वो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो 81 बॉन्ड होता है, ये आपको इंटरेस्ट उन एफडी से 4%, 5%, 6% जो अलग अलग बैंक अपनी एफडी दे रहे हैं, उससे आपको कहीं ज्यादा लाइक 9%, 10% ऐसे 81 बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर महीने, चाहे मंथली लेना चाहे क्वार्टरली एनुअली। तो लेकिन वो रिस्की होते हैं, कभी बैंक की हालत खराब हुई या कुछ हुआ तो वो राइट ऑफ किया जा सकते हैं, आपको पार्शियली कट किया जा सकते हैं। इसीलिए वो जो भी रिस्की है वो इंटरेस्ट ज्यादा देता है। तो ये जो है सेबी ने इम्पोज किया है 25 करोड़ रुपए का पेनाल्टी डाला है इस बैंक में, कि उन्होंने जो 81 बॉन्ड सेल किए थे राणा कपूर के टाइम में, आज के 7-8 साल पहले, 2010-11 ऐसे करके, आज की बात नहीं, 3-4 साल पहले की बात है। तो उसपे जो है मिस सेलिंग की थी, मीन्स कस्टमर को बताया गया था कुछ और, कि ये कुछ दूसरी चीज है, सुपर एफडी है, ऐसा कुछ है, और था वो एक्चुअल में बॉन्ड, और वो पेपर जो है पेपर पे साइन कराया गया था। दोस्तों, एक चीज आप समझ लीजिए कि सपोज कीजिए आप हो, मैं हूं, कोई भी है, इतना मार्केट में सबको मालूम है, कोई भी आदमी है, कि बैंक जो है 6%, 7% दे रहे हैं, या कोई 10%, 11% का नाम करके दे रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ घाचा है, रिस्क है, वो उतना सेफ नहीं है जितना इन्वेस्टमेंट होता है सेविंग अकाउंट और ये एफडी का। तो कोई अगर ये बोले कि नहीं, इसमें तो हमको मालूम नहीं था, और ऐसे करके पेपर, क्योंकि तो पेपर में साइन तो आप ही नहीं कर, अगर मैं कल की डेट में जो है बोलूं कि मैंने नहीं ऐसे नहीं किया था, लेकिन पेपर में साइन, पेपर साइन का मतलब क्या होता है? आप जो कुछ भी लिखा हुआ है, आप पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन अगर आपने साइन कर दिया तो मतलब यू आर एग्री जो कुछ भी लिखा हुआ है। तो मिस सेलिंग की बात कहां से आती है, आप बताइए। कि कोई भी अगर इस तरह की चीज होगी, अगर कोई बोल देगा कि कल की डेट में मेरे पास कोई आए बोले कि आपको 50% का रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है, और हमको, और ये एक बैंक है, उस बैंक में एज एफडी है, तो कम से कम इतना तो मुझे मालूम होगा ना कि ये कौन सी बैंक है और इस तरह कौन सी एफडी है। मैं थोड़ा सा खोजबीन करूंगा ना, या कुछ उस पे फॉर्म पे आएगा साइन करने से पहले एक बार तो देखूंगा ना, या फिर साइन करने के बाद कल की डेट में मेरा पैसा चला गया तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मैंने देखा ही नहीं, पेपर ही नहीं पढ़ा है। तो सेम चीज है, ये पेनाल्टी की बात की हुई है, और सेम ये पेनाल्टी जो है, अब यस बैंक ने कल बीएससी को इन्फॉर्म करके एक चीज बताई हुई है। देखिए, यस बैंक ने देखिए कल 12/4/12 अप्रैल को रात में 9 बजे एक लेटर लिखा हुआ है बीएससी का, उन्होंने बताया हुआ है कि ठीक है, आगे की रणनीति हम क्या करेंगे। वो लेटर मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, ये देखिए, द मैटर पर्टेनिंग रिटर्न डाउन ऑफ 81 बॉन्ड्स इज सब जुडिस। तो 81 बॉन्ड को जो रिटर्न डाउन किया था, मीन्स यस बैंक का जब वो एक डिफाल्टर घोषित किया गया था, हालत खराब थी, तो जो भी 8,900 करोड़ रुपए का जो 81 बॉन्ड था, पूरा का पूरा जो है आरबीआई ने, ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई ने राइट ऑफ कर दिया था। मीन्स आरबीआई को एक स्पेशल पावर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आरबीआई को स्पेशल पावर है कि किसी भी बोर्ड को अगर उसे लगेगा तो किसी भी बैंक की बोर्ड को भंग कर सकता है, नया सीईओ को भंग कर सकता है, नया अपना बोर्ड अप्लाई कर सकता है, कोई भी इस तरह की चीजें हैं तो अपने हाथ में लेकर राइट ऑफ कर सकता है विद द रूल्स, क्योंकि ये जो है उसे पावर मिली हुई है भारत के संविधान से, पार्लियामेंट से। और ठीक है, ये चीज जो है अभी सब जुडाइस है तो इसमें ज्यादा बोलना सही नहीं, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि एक पावर मिली हुई है, ये आरबीआई ने ऐसे आंख मूंद के नहीं किया है, एक पावर के तहत किया है, एक रूल के तहत किया है। सो ये देखिए, सब जुडाइस इन्होंने बोला हुआ है यस बैंक ने,
कि इन द मीन टाइम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज इशूड ए सो कॉल्ड नोटिस, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो मैटर एजुअन बॉन्ड वाला वो वेरियस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और यस बैंक ने बोला हुआ है कि अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसको एक ही जगह सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी दी हुई है। और इसी समय सेबी ने एक मिस सेलिंग का 81 बॉन्ड का एक मिस ऑर्डर कर लिया है 25 करोड़ पेनाल्टी का, तो ये इन्होंने बोला। अब आगे क्या करेंगे यस बैंक, ये लिखा हुआ है सेबी वाइड इट्स ऑर्डर 12 अप्रैल 2000। सेबी ने, ध्यान से सुनिए अगर ये चीज, यहां तक तो बताया कि सेबी ने ऑर्डर दिया है कि 25 करोड़ रुपए मिस सेलिंग का आपको पेनाल्टी देना होगा। अब यस बैंक करेगा क्या, पेनाल्टी देगा या कुछ और करेगा, ये लिखा हुआ है कि सेबी ने जो ऑर्डर दिया है 12 अप्रैल 2021 को, जो 25 करोड़ रुपए पेनाल्टी अगेंस्ट द बैंक सेक्शन दिस दिस दिस, द बैंक शेल बी प्रेफरिंग एन अपील बिफोर द ऑनरेबल सिक्योरिटीज अपनाइल कोर्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि सेबी ने बोल दिया ठीक है, लेकिन उसमें भी आप उस कोर्ट को भी चैलेंज कर सकते, अपना यस बैंक पक्ष रखेगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो 25 करोड़ रुपए देने वाली बात तो एक अपनी जगह है, लेकिन ये चैलेंज करेगा सेबी की इस ऑर्डर को, कहां पे करेगा, एपिटाइल एपेलाइट ट्रिब्यूनल, समझिए मतलब एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है इनका, वहां पे चैलेंज करेगा। अब बताएगा कि मिस सेलिंग जो आप बोल रहे हो मिस सेलिंग नहीं है, मैं किसी पेपर पे साइन करके कोई हमसे बोल दे कि आपको 1000% के रिटर्न दे रहे हैं, आप 10 रुपए लगाओ, कल आपको जो है 10 दिन में 20,000 रुपए मिलेगा, और पेपर में साइन कर दिया, कल की डेट में मेरा पैसा चला गया, तो मैं जो है क्या बोलूंगा कि नहीं नहीं आपने मिस सेलिंग की, आप पे पेनाल्टी होगा, ऐसा नहीं होता है। पेपर में मैंने साइन किया है, वो सब चीजें हैं। तो ये देखिए यस बैंक उसको जो है ट्रिब्यूनल में चैलेंज करेगा इस 25 करोड़ रुपए की पेनाल्टी को। दोस्तों ये थी एक बात, और मैं एक इसमें बड़ी चीज बोलना चाहता हूं कि फिर से ये जो यस बैंक ने 81 बॉन्ड 8,000 समथिंग 400 कुछ करोड़ रुपए का 81 बॉन्ड था, इसका पूरा का पूरा राइट ऑफ हुआ है वो ऑनरेबल आरबीआई ने किया हुआ है, और आरबीआई ने स्पेशल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसका जो है एक पावर है उसके तहत किया हुआ है। तो ठीक है ये मैटर अभी सब जुडाइस है, कोर्ट में है, लेकिन आरबीआई के पावर को कोई छीन नहीं सकता है। कल की डेट में जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं इनके पास कुछ पावर है, तो जो कि कुछ भी करते हैं अपनी पावर के तहत करते हैं। तो ये जो है एक तरह से अब बैंक की हालत खराब है, और उस चीज में अब कोई चीज रिस्की एसेट है, और रूल के तहत उसको राइट ऑफ कर दिया गया। सो दोस्तों ये चीज 25 करोड़ रुपए की पेनाल्टी ऐसा यस बैंक अभी देने नहीं जा रहा है, ये अभी ट्रिब्यूनल में ये चीज चैलेंज करेगा, और आरबीआई ने जो कुछ भी किया हुआ है ये 81 बॉन्ड का, ये जो है अपने स्पेशल पावर के तहत किया हुआ है। सो कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। इसके तहत आप देखिए यस बैंक का शेयर भी अभी 14 रुपए 60 रुपए पैसे पर ट्रेड कर रहा है, कोई नेगेटिव ऐसा रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि सबको सब कुछ मालूम है कि जो है बैंकिंग में क्या होता है, कागज कलम फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे होता है, पेपर पे साइन का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर पे साइन कर दिया और कल की डेट में बोले हमारे साथ चीटिंग हो गई, तो पेपर का साइन का मतलब क्या रह जाएगा, मैं साइन करूं कुछ और फिर कल बोल दूं हमारे साथ चीटिंग हो गई। तो दोस्तों ये एक चीज है। अब देखिए यस बैंक आज सुबह जो है ओपन 14:40 पर भी 14:60 पर ट्रेड करा 1% ऊपर, और कल की डेट में भी लोग 9-9 10-10% तक, और भी बैंक वगैरह डाउन थे, ये जो है 6% के अराउंड डाउन था। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए बायर भी लगभग दुगने हैं सेलर से, ठीक है 41% की अभी लगभग, नहीं ये तो डिलीवरी कल की है 41% की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज मान के चलिएगा कि ये जो है अभी जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि तगड़ी प्रॉफिट जनरेट करने वाली है, और बिल्कुल इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, जो कुछ भी होना था हो गया है, और सभी चीजें जो यस बैंक ने किया हुआ है वो बिल्कुल संविधान के तहत अपनी पावर के तहत आरबीआई की मत से सभी चीजों के तहत किया हुआ है, तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताई 81 बॉन्ड से रिलेटेड न्यूज, और यस एक्सक्यूज मी, और यस बैंक क्या करेगा उस साफ साफ लिखा हुआ है कि शेल बी प्रेफरिंग एन अपील बिफोर द ऑनरेबल सिक्योरिटीज। सो सिक्योरिटीज ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है वहां पे जो है सेबी के इस ऑर्डर को 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी वाले ऑर्डर को चैलेंज करेगा और अपना पक्ष रखेगा, और फिर ट्रिब्यूनल फैसला सुनाएगा कि सेबी को पैसा देना है कि नहीं देना है। तो दोस्तों मेरा जहां तक मानना है कि इस तरह कोई चीज नहीं है, कोई पेपर पर साइन करके बोले कि नहीं चीटिंग हुई है तो हमें नहीं लगता, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट की कोई घर की बात नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट है, पूरा पेपर पे काम होता है, पेपर गलत नहीं बोल सकता है, पेपर जो होगा यस बैंक पेपर दिखाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही,
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा A81 बॉन्ड से रिलेटेड जो भी इशू है उसमें मैटर क्या बन रहा है और अब यस बैंक कैसे प्रोसीड करेगा, और लगभग लगभग फैसला भी आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होने जा रहा है, तो सभी चीजें क्लियर हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो।